हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज हम लोग देख रहे हैं एमपीपीएससी मेंस में जो पेपर नंबर 4 है एथिक्स, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो एथिक्स जो है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आपको देखने होंगे। तो बेसिकली क्या क्या इसमें पढ़ रहे हैं हम वो पहले देख लेते हैं। और एक चीज़ और, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस, क्या क्या टॉपिक्स है सिलेबस में, प्लस क्वेश्चन की स्कीम क्या है, पेपर की स्कीम क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो। और एंड में मैं बताऊंगी आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए अभी जो टाइम चल रहा है और कौन सी बुक जो है वो आपके काम आएगी, तो वो भी मैं बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एथिक्स में आपको पेपर नंबर 4 जो आप पढ़ रहे हैं उसमें तीन चीज़ें आपको पढ़नी है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये तीनों चीज़ें ही दी हुई है अलग अलग यूनिट्स में, तो देख लेते हैं क्या चीज़ है। अब सबसे पहले आप देखो, तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसके कुछ स्टेजेस होती है, ठीक है, पेपर की तैयारी की कुछ स्टेजेस होती है। पहले क्या करना है, जब आप पहली बार तैयार कर रहे हैं या दूसरी तीसरी बार, जितने भी बार तैयार कर रहे हैं, हर बार सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन सीधे सीधे सिलेबस से भी पूछे जाते हैं, ठीक है, सिलेबस को देखना। फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम के पेपर्स है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स है वो आपको देखना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि भाई अगर ये टॉपिक दिया हुआ है तो इसमें कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे सीधा जो कीवर्ड्स है उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई ऐसे टॉपिक है जिनको बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे सिलेबस से पढ़ना, ठीक है, सिलेबस से जो स्टडी है, जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर आपकी स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसमें सिलेबस से पढ़ने के टाइम पर एक बार आपको सिर्फ रीडिंग करनी चाहिए, मेरे हिसाब से पहली रीडिंग में आप नोट्स ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर उसके बाद नोट्स, ठीक है, नोट्स बनाएं और उसके बाद इन नोट को इतने अच्छे तरीके से बनाएं कि आप इनसे रिवाइज कर सकें मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो है उसको सॉल्व करना है, ठीक है, जितने आप कर सकें। और साथ ही जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो भी आप लगाए तो बेहतर होगा, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो भी आपको करना है। तो इस तरीके से आप कोई भी टॉपिक जो है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और बेसिकली ये वर्क करता है हर पेपर के लिए। तो चलिए चलते हैं, क्या है सिलेबस में और क्या है क्वेश्चन पेपर की स्कीम में। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 200 नंबर का ये पेपर होगा, समय आपको मिलता है 3 घंटे, पेपर नंबर 4 होता है, ठीक है। इसका मीडियम अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए होता है ये, अलग अलग आप जो भी मीडियम ले रहे हैं तो आपका उसी लैंग्वेज में होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि टोटल 5 यूनिट्स आपको इसमें मिलेगी, कौन सी है वो भी आगे हम देखेंगे, जिसमें 5 आपके होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 होंगे शॉर्ट आंसर टाइप और 1 होगा दीर्घ उत्तरीय, यानी कि जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं वो। अब हम बात करते हैं कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, वो आते हैं 2 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं, तो वो आपसे हर यूनिट से पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके लिए असाइन किए गए हैं 5 नंबर, 2, 5 और आगे आपको मिलेंगे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन, उसके लिए 20 मार्क्स। तो इस तरीके से ये जो है टोटल हर यूनिट को 40 मार्क्स दिए गए हैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर के लिए। और साथ ही ये याद रखना है कि केस स्टडीज भी पूछे जाएंगे, तो 2 केस स्टडीज जो है वो पूछी जाएगी 20 मार्क्स ईच, ठीक है, 20-20 नंबर की। और आपके लिए वर्ड लिमिट की अगर हम बात करें तो 2 नंबर वालों में आपको 1 लाइन मिलती है, 5 नंबर वाले में आपको 5 से 6 लाइन्स जो है वो मिलती है, ठीक है। और केस स्टडीज के लिए जो शब्द सीमा है वो है 500 शब्द और 200 शब्द होगी ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए। चलिए तो चलिए अब करते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या है कि आपका सिलेबस जो है
वही आपकी पूरी प्रिपरेशन का आधार होता है। सिलेबस को बहुत अच्छे से देखना और उसके अकॉर्डिंग ही टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। यूनिट 1 जो है ये बात करती है फिलोसोफर्स, थिंकर्स और सोशल रिफॉर्मर्स की। फिलोसोफर्स वाला ये वाला यूनिट आपको काफ़ी बड़ा लगेगा जब आप पढ़ने जाएंगे, क्योंकि हर एक फिलोसोफर जो है उनकी फिलोसफी और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी होती है। वो एटलीस्ट एक के लिए आपको 2 पेज पढ़ने होते हैं, एटलीस्ट बात करिए हमें, कम से कम इतने तो पढ़ने ही होंगे। और इसी वजह से ऐसा लगेगा कि यार 2 या 3 पेज इतना पढ़ेंगे कैसे, इतना याद कैसे रखेंगे। तो एक जो आपको मास्टर फॉर्मूला याद रखना है वो है कि किसी भी इस यूनिट से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें 90% चांसेस ये है कि उस थिंकर या फिलोसोफर की फिलोसफी, ठीक है, और उनकी बुक्स, 2 चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो ये 2 चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी अगर ना करें तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ है उनका, किस ईयर में हुआ है, ये सारी चीज़ें बहुत रेयर केसेस में पूछी जाएंगी। तो ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर 2 चीज़ ये तो पढ़नी ही है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आप पढ़ें सिर्फ फिलोसफी वाला ये जो यूनिट है, इसको आपको ग्रुप बना लेना है, जो थिंकर्स या फिलोसफर्स जो है उनका ग्रुप, कैसे, सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल। तो अगर हम बात करते हैं सोक्रेटिस की, तो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो टाइम है वो अलग अलग रहा है तीनों का, तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको नहीं देखने मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी, जो यहाँ नहीं मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी। मतलब सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल में क्या हुआ है, एक डेवलपमेंट मिलेगा आपको। लेकिन बेस जो है यहाँ पर, क्योंकि सोक्रेटिस को फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी भी कहा जाता है, तो बेस जो है ना आपको लगभग एक जैसा मिलेगा। तो यहाँ फिलोसफी तो आपको पढ़नी है, लेकिन सोक्रेटिस की लिखी हुई कोई किताब अवेलेबल नहीं है तो वो आपको नहीं पढ़ना। प्लेटो की लिखी हुई बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, ठीक है, और एरिस्टोटल जो है उनकी भी, वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर अगर हम बात करें तो जो एथिक्स है, निकोमेकियन एथिक्स, वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इनके बारे में। हालांकि ये जो तीनों रहे हैं इनका समय अलग अलग रहा है, लेकिन एरिस्टोटल तक डेवलपमेंट जो है वो फिलोसफी में काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो इसको आपको बेस बना के लिखना है कि चलो सोक्रेटिस की ये थी, इसमें चेंज क्या करके प्लेटो ने अपनी फिलोसफी दी है, और प्लेटो की फिलोसफी में क्या चेंज किया एरिस्टोटल ने। फिर इसके बाद बात करते हैं महावीर और बुद्धा की। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोनों ही फिलोसफीज में कुछ कीवर्ड्स हैं, हालांकि सब जगह आपको मिलेंगे ये, पर यहाँ पर क्या है कि कुछ कीवर्ड्स, जैसे महावीर या जैन रिलीजन में आपको पंच महाव्रत मिलेगा, ठीक है, अनेकांतवाद, स्यादवाद, ऐसे बहुत सारी फिलोसफीज, तो इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन इन्हीं से ज्यादातर पूछे जाते हैं। फिर बुद्ध की फिलोसफी में आपको 4 कार्डिनल ट्रूथ या 4 आर्य सत्य मिलेंगे, और साथ ही अष्टांगिक मार्ग जो है, या जो फिलॉसफी आपकी लॉ ऑफ कर्मा, ये भी आपको बुद्धा की फिलॉसफी में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि लॉ ऑफ कर्मा जो है वेदांत फिलॉसफी में भी है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं आचार्य शंकर की। आचार्य शंकर से लेकर आगे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो किस पे बिलीव करते हैं, वेदांत फिलॉसफी पे। लेकिन यहाँ आचार्य शंकर के बारे में डिफरेंट क्या है कि आचार्य शंकर ने खुद दी थी अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी, क्योंकि वेदांत फिलॉसफी जो है इसमें बहुत सारे आपको टाइप्स मिलेंगे, जैसे भेद अभेद होता है, ठीक है, और जिसमें अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, तत्व वाद है, या द्वैत जिनको कहा जाता है, या शुद्ध अद्वैत है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, लेकिन इसमें जो आचार्य शंकर हैं इन्होंने अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी को दिया है। फिर बात करते हैं चार्वाक की। चार्वाक जो है ये एक ऐसी फिलॉसफी है, सिर्फ एक ऐसी फिलॉसफी, ये हेट्रोडॉक्स स्कूल से बिलोंग करती है हिंदू फिलॉसफी के, और जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करती है, वो कहती है कि जो लाइफ हम जी रहे हैं यही एक ट्रूथ है, इसके अलावा कोई ट्रूथ नहीं है। मतलब एक बार इंसान अगर मर जाता है तो उसके बाद कोई रियलिटी नहीं बचती है, ये चार्वाक का कहना है। हालांकि उस समय पर भी लोगों ने बहुत इनका अपोज किया था और बहुत इस फिलॉसफी का अपोज किया था, लेकिन ये एक है और आपको ये भी पढ़ना है। फिर आते हैं गुरु नानक, कबीर और तुलसीदास। तो इनका समय भी आप देखेंगे लगभग लगभग 100 सालों के अंदर का रहा है, और ये लगभग लगभग एक समय पर रहे हैं।
तो इसमें गुरु नानक जी की अगर मैं बात करूँ तो गुरु नानक जी का मेन क्या था एम, क्योंकि ये जो थे गृहस्थ जीवन जीते हुए भी कैसे आप सही रास्ते पर चल सकते हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंस, ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने दिए सेवा को, ठीक है। वहीं कबीर की बात करें तो कबीर ने बहुत सारी चीज़ों पे अपना ओपिनियन रखा है, तो कबीर की फिलॉसफी आपको अलग से देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो कबीर के दोहे होते हैं वही उनकी फिलॉसफी है। फिर तुलसीदास जी जो है इन्होंने क्या लिखी है, रामचरितमानस, ठीक है, अवधि वर्जन जो है रामायण का वो लिखी है तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास जी के लिए एक कुछ किताबें हैं जैसे रत्नावली, दोहावली, तो ये इनकी किताबें हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है कि बुक्स कौन कौन सी लिखी है, प्लस इनकी किताबों में जो इन्होंने मेंशन किया है वही इनकी फिलॉसफी है, ठीक है। राम कैसे हो, कैसे थे, या कैसे एक आइडियल मैन को होना चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर से पहले हुए हैं हालांकि राजा राम मोहन रॉय और स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन रॉय, इनके बहुत सारी चीज़ें जो इनके थॉट प्रोसेस में आपको बहुत सिमिलैरिटीज मिलेगी। हालांकि राजा राम मोहन रॉय क्या मानते थे, वन गॉड, एक ही भगवान है, वो भी कैसा है, वो भी फॉर्मलेस है, ठीक है। और वो चाहते थे कि मॉडर्नाइज हो, जो इंडिया का एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम, उसको मॉडर्नाइज करना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनके हिसाब से ट्रेडिशनल लर्निंग जो है वो किसी पैरट को चीज़ें रटवाने जैसा होता है, तो इनके हिसाब से एक नया तरीका होना चाहिए स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, ठीक है। और बेसिकली ये भी अगेंस्ट कास्ट सिस्टम थे, राजा राम मोहन रॉय भी अगेंस्ट कास्ट सिस्टम थे, और यहाँ पर इन्होंने राजा राम मोहन रॉय का मोस्ट नोटेबल वर्क था सती के लिए, चाइल्ड मैरिज और सती, जिसमें बेसिकली सती जो इन्होंने बैन करवाई 1829 में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं सावित्री बाई फूले की। तो सावित्री बाई फूले जो है ये बेसिकली गर्ल एजुकेशन में इनका नाम आता है, सावित्री बाई फूले का। और यहाँ पर जितने भी आप थिंकर्स देखेंगे ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय और सावित्री बाई फूले, तो इन्होंने सब ने क्या किया, विमेन एजुकेशन के लिए बहुत अपना योगदान दिया है और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट रहे। तो ये दो कॉमन चीज़ें आपको सबकी फिलोसफी में मिलेगी। फिर बात करते हैं महर्षि अरविंद की। महर्षि अरविंद जो है इनको अगर आप देखें तो इनकी फिलोसफी में आपको योग, योग फिलोसफी जो है, 6 स्कूल है, जो हिंदू फिलोसॉफी में 6 स्कूल है, उसमें योग जो है उसको इन्होंने इम्पोर्टेंस दी, ठीक है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा, और साथ ही वेदांता, ठीक है। मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहा जाता है और वेदांता को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। तो ये 6 स्कूल में से योग जो है जिसको किसने प्रपोन किया था, महर्षि पतंजलि ने, तो उस पे बेस्ड इनकी फिलोसफी। और इनके फिलोसफी में आपको एक वर्ड मिलेगा इंटेग्रल योगा, उसको इन्होंने पॉपुलर करवाया, ठीक है। फिर बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, लेकिन अगर इनकी फिलॉसफी की बात करें तो ये भी वेदांत फिलॉसफी या अद्वैत वेदांत फिलॉसफी जो आचार्य शंकर की है उस पे बिलीव करते थे, और साथ ही एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। इन्हीं के जन्मदिन पर यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे इंडिया में। अब ये हो गई फर्स्ट यूनिट। तो इसमें क्या है, इसमें तो नाम दिए हुए हैं, आप किसी भी बुक से पढ़ लेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन यहाँ उसके अलावा जो कुछ टॉपिक्स है वो आपको बहुत नए देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। बहुत नए हैं, मतलब अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से कुछ आपको समझ में नहीं आएंगे कि दिए क्यों हैं और क्या इनका रिलेवेंस है आपके सिलेबस में और आपकी लाइफ में। तो वैसे बहुत ईजी है इसको अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। ये बात करती है यूनिट नंबर 2, एटीट्यूड। अब यहाँ पर आप बहुत देर से इस कैट को नाचता हुआ देख रहे होंगे, क्यों देख रहे हैं? तो देखो, एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड वो नहीं होता है जो हम बात करते हैं आजकल, जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है उसमें एंड ऑल, नहीं वो एटीट्यूड नहीं। एटीट्यूड क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे इस कैट को अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको क्यूट लग रही होगी, ठीक है। कुछ लोगों को ओरिजिनल कैट देख के पसंद नहीं आती, उसमें से एक मैं भी हूँ, मुझे कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये क्या है कि अगर आप एक आपके पास कैट है या अगर आपने रखा हुआ है कैट को, तो आपका कैसा एटीट्यूड है कैट की तरफ, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। और मेरे घर में चूहों को मार देती है कैट, दूध पी लेती है, तो मेरा कैसा है, नेगेटिव।
तो ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो तरीके का एटीट्यूड आपको मिलेगा। तो एटीट्यूड इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, जो आपको किसी चीज को देखकर विचार आते हैं मन में, वो एटीट्यूड होता है। तो एटीट्यूड में क्या कंटेंट होते हैं, इसके क्या एलिमेंट होते हैं, फंक्शन क्या क्या होते हैं और कैसे फॉर्म होता है एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड एक बार बन गया है, तो मान लो कि कोई मुझसे कहते कि यार कैट्स जो है वो बहुत क्यूट होती है एंड ऑल, तो माइंड भी मेरा जो एटीट्यूड है उसको लेकर चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परसुएशन। अगर कोई मुझे कह रहा है कि यार लुक कैट और कितनी क्यूट है और बहुत ही प्यारी है, चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, क्या करूंगी कि एटीट्यूड मेरा चेंज हो जाए। लेकिन पर्सुएशन या पर्सुएसिव कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप किसी की थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रेजुडिस जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पूर्वाग्रह, कि मैंने किसी चीज़ के बारे में पहले ही सोच बना ली है, ठीक है, मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ कोई चीज़ को, ठीक है, मैं इस कैट को नहीं पसंद करती हूँ क्योंकि मैंने पहले ही सोच बना ली कि ये बुरी होगी कैट। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि दो, एक कैट होती है और एक डॉग होता है, तो मैं कैट को फीड नहीं करती हूँ, डॉग को फीड करती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिस्क्रिमिनेशन। फिर होता है स्टीरियोटाइप्स। तो किसी भी एक चीज़ को लेकर ऐसी सोच बना लेना, ठीक है, कोई रूढ़ीवादी या घिसे पिटी चीज़ या ऐसी कोई सोच बना लेना जो असल में सच है ही नहीं, तो उसको कहा जाता है स्टीरियोटाइप, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स इस तरीके से बनते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, लेकिन हम मान लेते हैं कि भाई वो सच है क्योंकि हमने ऐसा सुन रखा है या हमको उसको देखकर वैसी फीलिंग आती है, तो हमने सोचा कि कैट ये बुरी होती है, कैट तो ये मान लिया है हमने, तो ये कहलाते हैं स्टीरियोटाइप्स। फिर इसके बाद आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है, बेसिकली मेंटल एबिलिटी होती है कि एप्टीट्यूड किस चीज़ को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, तो वो होता है एप्टीट्यूड। ये आप जानते भी है, ठीक है। फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस, कौन कौन सी फाउंडेशनल वैल्यूज होती है, जिसमें इंटेग्रिटी, ठीक है, इंटेग्रिटी मतलब कि कितने अखंड है आप भारत, सॉरी कितने अखंड है आप, मतलब आपको तोड़ना कितना मुश्किल है, तो वो आपकी इंटेग्रिटी है। इम्पार्शियलिटी मतलब आपकी दो लोगों या दो ग्रुप्स में भेदभाव नहीं कर रहे। नॉन पार्टनरशिप मतलब कि आप किसी एक के तरफ नहीं है, ठीक है। भेदभाव करना मतलब हो सकता है कि दोनों को ही आप ना जानते हो पर आप किसी एक के साथ भेदभाव कर रहे हैं, ये तो इम्पार्शियलिटी मतलब किसी में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। नॉन पार्टनरशिप मतलब आप किसी ग्रुप के साथ नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसके हिसाब से बिहेव करेंगे। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस जैसा वर्ड कहता है। एम्पैथी, टॉलरेंस और कंपैशन। देखो सिंपैथी क्या होता है कि आप किसी, ये चलिए ये कैट है, इसको अगर चोट लग जाती है, ठीक है, मुझे इस पे दया आएगी कि यार ये तो बहुत गलत हुआ, इसको चोट लग गई। लेकिन क्या होता है कि एक इंसान है और हो सकता है कि उसको उसकी उंगली एक फ्रैक्चर हो गई, तो मेरी उंगली फ्रैक्चर हुई है और मुझे पता है कि उंगली फ्रैक्चर होने का दर्द कितना ज़्यादा होता है, तो मैं उस इंसान को देख के बोलूँगी यार हाँ ठीक है, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा पेन जो है वो फील कर सकती हूँ। तो दैट्स कॉल्ड एम्पैथी, कि आप उस सिचुएशन में खुद को रख के देखिए कि क्या आप फील कर रहे हैं, ठीक है। फिर होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है कि एक ऐसी भावना, जब आप किसी के रिलीजियस बिलीव्स को, किसी के कल्चरल बिलीव्स को आप इम्पोर्टेंस दें और उनको समझने की कोशिश करें। फिर होता है कंपैशन। कंपैशन टूवर्ड्स वीकर सेक्शन। अब मैंने क्या किया कि मैंने इस टूटी हुई उंगली वाले बंदे को देखा, मुझे पता है कि इसमें कितना पेन होता है, अभी मैं क्या बोलूँगी उसको, मैं बोलूँगी कि यार मैं ट्राई करती हूँ कि चलो ठीक है मैं तुमको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, इसमें हम लगवा देंगे प्लास्टर ताकि ये जो फ्रैक्चर उंगली है ये ठीक हो जाए। तो कंपैशन के लिए मैंने क्या किया, उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश की। दैट्स ऑल कंपैशन। इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसा वर्ड से आपको दिख रहा है ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली खुद की भावनाएं और अगले इंसान की, मतलब दूसरे इंसानों की भावनाओं को समझना, ठीक है, सुनना समझना करेक्टली, उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। दूसरों की भावनाएं भी समझना और हमारी भावनाएं भी समझना। तो इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी यूटिलिटीज क्या है और गवर्नेंस में क्या एप्लीकेशन है, कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो काम आ सकता है गवर्नेंस में। फिर बात करते हैं हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती है, तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं।
ये देख सकते हैं आप, ये हिंदी में सिलेबस दार्शनिक विचारक समाज सुधारक सुकरात प्लेटो अरस्तु महावीर बुद्ध आचार्य शंकर चारवाक गुरु नानक कबीर तुलसीदास रविन्द्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन रॉय सावित्री बाई फूले स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद महर्षि अरविंद और सर्वपल्ली राधा कृष्ण। फिर बात आती है मनोवृत्ति या एटीट्यूड की, ठीक है। विषय वस्तु तत्व प्रकार या मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रबोधक संप्रेषण पूर्वाग्रह विभेद भारतीय संदर्भ में रूढ़िवाद का मतलब। यहाँ पर अगर आप अगर कंफर्टेबल नहीं है, हिंदी मीडियम वाले भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश में आप उनको देख ले तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर अभिशमता संवेगिक बुद्धि और व्यक्तिगत भिन्नता। फिर आती यूनिट थ्री। यूनिट थ्री जो है इसमें ह्यूमन नीड्स और मोटिवेशन की बात की जाती है। अब हमने क्या देखा कि पिछले वाली यूनिटों में हमने ये देखा कि पर्सनल जो वैल्यूज है वो क्या होती है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पर्सनली वैल्यूज काम आती है सिर्फ, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज जो है वो भी उतनी ही काम आती है। तो उसमें बात की जाती है एथिकल एलिमेंट्स इन गवर्नेंस, कौन कौन से एथिकल एलिमेंट्स होते हैं गवर्नेंस में, इंटेग्रिटी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इंटेग्रिटी मतलब ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी कीमत पर टूटना नहीं है, कितना भी आपको कोई लालच दे। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी या जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस आंसरेबिलिटी जो है उसको अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। फिर बात आती है ट्रांसपेरेंसी की, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी जो है इसका मतलब कि अगर गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, अगर मान लो कि आपके एरिया में 1 करोड़ रुपए है और आपको ये जानना है कि भाई ये 1 करोड़ आया है तो कहाँ गया, ये खर्च कहाँ हुआ है, तो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो ये जो आपके एरिया का लीडर है ये सारा 1 करोड़ अपने पास रख लेगा। लेकिन क्योंकि अकाउंटेबिलिटी भी है, क्योंकि उसको आंसर करना है कि उसने क्या किया इस 1 करोड़ रुपए का, क्योंकि उसको दिखाना भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, लोगों को बताना है कि भाई हाँ चलो इसको मैंने सड़कें बनाने में पार्क बनाने में ऐसे खर्च किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर एथिकल रीजनिंग और मॉरल डिलेमास। डिलेमास क्या होता है बेसिकली, कि जब आपके पास दो चॉइसेस हो, दोनों ही सही लगती हो आपको, राइट एंड राइट के बीच में आपको देखना है कि कौन से जो चॉइस है उसमें प्रिंसिपल्स जो है वो कम सेक्रीफाइस हो रहे हैं या कौन सी चॉइस उस समय पर सही है। हो सकता है दोनों सही हो पर उस सिचुएशन में कौन सी सही है, तो वो क्या होता है डिलेमा होता है कि भाई कौन सी चूज करूँ, दोनों ही सही है मैं कौन सी चूज करूँ। एथिकल रीजनिंग जो है वो आपके अलग अलग कंसेप्ट बेस्ड होती है एथिकल रीजनिंग। फिर कॉन्सेंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। देखो कॉन्सेंस क्या होता है बेसिकली, एक जजमेंट होता है कि जब आपके पास दो चॉइसेस है, आपका कॉन्सेंस या अंतरात्मा क्या कहती है कि मुझे लेफ्ट के साथ जाना है या मुझे राइट के साथ जाना है, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग एक कैरेक्टर होता है कॉन्सेंस, ठीक है, अंतरात्मा। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट। अब आप कहते हैं कि भाई सिविल सर्वेंट्स जो उनके पास बहुत सारी पावर्स होती है, लेकिन उनको कैसे पता चले कि भाई हमको किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हम अपने डिसीजन लेना है, क्योंकि उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत होती है। तो उसी पावर का सही इस्तेमाल किया जाए इसके लिए उनके लिए कुछ कोड्स बनाए गए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं, ताकि उस पर ही बेस्ड वो डिसीजन ले। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर वैल्यूज इन गवर्नेंस। फिर इसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 4 करप्शन की, करप्शन या भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार जो है वो आप कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, लेकिन इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें टाइप्स पढ़ना है, कितने तरीके के होते हैं, कॉजेज क्या है कि क्यों होते हैं, ठीक है, इफेक्ट ऑफ करप्शन क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है। फिर अप्रोचेस टू मिनिमाइज मतलब कैसे हम करप्शन को कम कर सकते हैं। रोल ऑफ सोसाइटी मीडिया एंड फैमिली की तीनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करप्शन को कम करने में। और साथ ही आता है एक वर्ड विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर क्या होता है, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट भी हो सकता है गवर्नमेंट भी हो सकता है उसमें चल रहे करप्शन की जानकारी अगर लोगों के सामने रखता है तो उसको कहते हैं विसल ब्लोअर। इसके बाद यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन, ये भी एक टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, 1-2 पेजेस का है। फिर मेजरिंग करप्शन और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देता है। फिर लोकपाल और लोकायुक्त, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यूनिट 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने देखा 20-20 नंबर की 2 केस स्टडीज आपको आएंगी, और ये कैसे आएगी, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एथिकल डिलेमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकता है, मॉरल डिलेमा से रिलेटेड, या कॉन्सेंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस और एथिकल रीजनिंग, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, तो ये सारे टॉपिक्स जो है इसमें पूछे जा सकते हैं। सो दिस द सिलेबस।
और यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, भ्रष्टाचार और केस स्टडीज। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा वीडियो और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम थिंकर्स जो है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम लोग एटीट्यूड से। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।